तरफ जहां आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बढ़ा रखी हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस समय मैं कनॉट प्लेस में हूं, दिल्ली के दिल कही जाने वाली जगह, और पालिका बाजार के सामने खड़ा हूं। मैं आपको अपने पीछे दिखाना चाहूंगा कि कैसे बीजेपी ने जो केजरीवाल के घर का एक मॉडल बना के केजरीवाल सरकार पर निशाना साध रहे हैं। यहाँ नारेबाजी चल रही है आप सरकार के खिलाफ और केजरीवाल के खिलाफ। मैं आपको बता दूं कि कुछ महीने पहले जो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया था कि 45 करोड़ से ऊपर का खर्चा किया गया अरविंद केजरीवाल के घर के रेनोवेशन के ऊपर, उसी को देखते हुए आज बीजेपी यहां आक्रामक हो चुकी है। मैं आपको इसके पीछे भी दिखाना चाहूंगा कि कैसे एक फ्लेक्स का जो घर का मॉडल बनाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि घर जैसा बनाया और उसके अंदर तस्वीरों के जरिए आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कमरे की तस्वीरें हैं, हॉल की तस्वीरें हैं और घर के अलग अलग जगहों की तस्वीरों को दिखाकर निशाना साधा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो रही है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, तो कुछ वर्कर से बात करते हैं। तो सर, क्या कारण हुआ आपको एक घर पर बनाना पड़ा? आप देखिए अंदर की फोटोएं, ये आम आदमी पार्टी के मालिक का घर है, जनता के पैसे से। कोरोना के समय में जब लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं दे रहा था, ब्लेम गेम कर रहा था और अपना घर बना रहा था। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल को, इस्तीफा देना चाहिए तत्काल प्रभाव, या दरवाजे खोले और बताए कि हम गलत हैं, दिखा दे सबको, मीडिया को ले जाए, हमें छोड़िए, आपको ले जाए और दिखाए कि ये घर उसका है कि नहीं है। अगर यही उसका घर है तो उसको शर्म आनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए तत्काल। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे हाथ में पंपलेट पकड़कर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी ने इसको राजमहल स्कैम का नाम दिया था। यहाँ आप देख सकते हैं कि घर की तस्वीरें भी हैं और दूसरी तरफ मीडिया की क्लिपिंग्स भी हैं, जिसके जरिए जो बीजेपी है वो आक्रामक तौर पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। पिछले साल भी देखा यह गया था कि जो लिकर स्कैम है उसको लेकर भी बीजेपी आक्रामक थी। सड़कों पर प्रदर्शन किए गए थे, मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शन किए गए थे और पब्लिक प्रॉपर्टीज पर प्रदर्शन किए गए थे शराब घोटाले को लेके। और अब फिर अभी जो राजमहल घोटाले को लेकर फिर जो बीजेपी है लोकसभा चुनावों से पहले आक्रामक हो चुकी है। कैमरामैन अभिषेक बई के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।